जय मसीह मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने सामर्थ्य और दयालु प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन लेकर आया हूं, जिससे मैं पर्सनली बहुत आशीषित हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है इन वचनों से आप भी निश्चय आशीषित होंगे। खासकर ये वचन उन मसीही लोगों के लिए प्रभु यीशु का संदेश है जो खुद को उनका चेला मानते हैं या उनका चेला बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वचनों में जाने से पहले कुछ प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने मरते हुए माता या पिता का अंतिम इच्छा पूरी ना करे? क्या कोई अपने बिछड़ते हुए दोस्त का एक अंतिम इच्छा पूरा करना ना चाहेगा? यस दोस्तों, हम अपना जी जान लगा देते हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, है ना। आइए अब हम प्रभु यीशु की अंतिम इच्छा को जानें, जो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वे मजबूर हो गए हमारे लिए अपना जान तक देने को, ताकि वे हमें बचा सके। मरकुस 16:15 में प्रभु यीशु जब अपने चेलाओं से बिछड़ने वाले थे, तब वे उनसे कहते हैं, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार यानी जीवन परिवर्तन करने वाला प्रभु यीशु का असीम प्रेम का संदेश, जिसमें वे हमें पाप क्षमा, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय शांति और असीमित आशीषें देने की प्रतिज्ञा करते हैं, अगर हम उनके बलिदान पर विश्वास करें तो। और इस वचन को प्रभु का अंतिम इच्छा और महान आज्ञा मानकर कई मसीही लोग और प्रचारक लोग पूरी निष्ठा के साथ पालन भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम अधूरा ही रह जाएगा यदि हम उनकी महान आज्ञा को बैलेंस ना कर पाए तो, जहाँ उन्होंने कहा, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने खर्च पे, अपने दम पे जाकर सुसमाचार उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं जिन्होंने कभी भी प्रभु यीशु का नाम तक नहीं सुना। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि आज भी हम यानी लीडर्स, पास्टर और प्रचारक लोग मत्ती 28:19-20 के मुख्य तीन आज्ञाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो है पहला नंबर चेला बनाना, दूसरा त्रिएक परमेश्वर के नाम पर बपतिस्मा देना और तीसरा प्रभु के सारे आज्ञाओं को मानना सिखाना। जहां मसीही लोग सुसमाचार प्रचार करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बिना चेला बनाए, वहां हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु की उस अधूरी इच्छा और कार्य को पूरी करें चेला बनाकर। बहुत सारे लोग केवल यह सोचते हैं कि अभी भी सारे जगत तक सुसमाचार नहीं पहुंचा और प्रभु उनके दिल में ये बोझ यानी दर्शन डाल देते हैं जिन्हें वे प्रचारक के रूप में बुलाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को प्रभु वैसा ही महत्वपूर्ण कार्य देते हैं जो और भी कठिन है, वह चर्च मेंबर्स यानी मसीहियों को चेला बनाने का कार्य। आइए उदाहरण सहित समझे। एक कारपेंटर यानी बढ़ई की दुकान पे बहुत सारे मिस्त्री टेबल बनाने में व्यस्त हैं, जिनमें से ज़्यादातर टेबल का चार पाव बना रहे हैं और केवल दो या तीन लोग ही टेबल का ऊपरी हिस्सा बना रहे हैं उसे पूरा करने के लिए। परिणाम उस दुकान में ये होगा कि टेबल के पाव से सारा दुकान भर जाएगा और काम भी अधूरा रह जाएगा। हम ये निश्चयता के साथ कह सकते हैं कि प्रभु यीशु जब नजरत में अपने पिता के कारपेंटर दुकान पे थे, वे एक टेबल को संपूर्ण करने के बाद ही दूसरे टेबल को बनाते होंगे। वे हमेशा एक कार्य को पूरा करने में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने क्रूस से भी यही कहा, अब संपन्न हुआ, और वे आज भी वही खुदा है। और यदि हम उनके चेले हैं तो हमें भी उनके जैसा संपूर्ण कार्य पे यानी फिनिश हुआ पर विश्वास करना होगा और एक साधारण विश्वासी बनने के बजाय उनका चेला बनना होगा और दूसरे विश्वासियों को भी उनका चेला बनाना होगा। बहुत सारे कई साल पुराने मसीही लोग भी अभी भी इसी असमंजस में हैं कि प्रभु में मेरा बुलाहट यानी कॉलिंग क्या है। तो बाइबल हमें स्पष्ट करता है कि हम प्रभु यीशु का चेला बने और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारकर उनके जैसा बनने का प्रतिदिन प्रयास करें। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परफेक्ट रोल मॉडल है इस दुनिया में, जो कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने जो कुछ भी सिखाया या आदेश दिया उसे खुद पहले किया, और अगर हम उनका पूरा जीवन काल यानी 33.5 years को स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने 90% कार्य यानी प्रैक्टिकल किया और ओनली 10% ही थ्योरी यानी शिक्षा और आदेश दिया। अब अगर हमें भी उनका सच्चा चेला बनना है तो हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना होगा और एक जीवित गवाही बनना होगा। दोस्तों, आज भी बहुत सारे मसीही लोग इसलिए चेला नहीं बनते क्योंकि वे डरते हैं मोल चुकाने से, वे शर्माते हैं खुद को मसीही कहने से और आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं जहां वे केवल सुख और आशीष से पाना चाहते हैं। जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि मूसा के कानून को जो भी पालन करेगा परमेश्वर उसे धन दौलत, जमीन जायदाद और चंगाई जीवन से आशीषित करेंगे। लेकिन जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं कि इस संसार में तुम्हें संकट होगा, दुख तकलीफें आएंगी, यहाँ तक कि तुम्हें मोल भी चुकाना पड़ेगा, परंतु हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है।
अब हम खुद सोचें कि हम किसके चेले हैं, मूसा गमबक्ता के या प्रभु यीशु के। लूका अध्याय 14 26 से 35 में जब हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे और भाई बहनों और अपने आप को भी अप्रिय न जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई प्रत्येक दिन अपना क्रॉस उठाकर मेरे पीछे न चलेगा वो भी मेरा चेला नहीं बन सकता। दोस्तों, चेला बनना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन अगर हम एक समर्पित जीवन जिए तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करेंगे और सामर्थ देंगे ताकि हम सच्चे परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मान सकें, वरना हम मात्र एक नेम से क्रिश्चियन बनकर रह जाएंगे जो दूसरों के लिए भी स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा। तो आइए इस विषय पे यानी डिसाइपलशिप पे और भी गहराई से अध्ययन करें और प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला खुद भी बने और दूसरों को भी बनने में मदद करें। गॉड ब्लेस यू।